केसीसी बैंक के वार्षिक अधिवेशन एजीएम का आयोजन धर्मशाला कॉलेज के ऑडिटोरियम में किया गया, जिसकी अध्यक्षता बैंक चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने की, जबकि बैंक के 196 के लगभग डेलीगेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। बैठक में डेलीगेट्स ने बट्टा खाता यानी रिजर्व फंड को लेकर सहमति नहीं दी। वही बैंक की ब्याज दर पर भी डेलीगेट संतुष्ट नहीं नजर आए। केसीसी बैंक ऋण फर्जीवाड़े में केसीसी बैंक चेयरमैन ने कहा कि इस दिशा में बैंक प्रबंधन आगे बढ़ रहा है। केसीसी बैंक के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन धर्मशाला कॉलेज के ऑडिटोरियम में किया गया, जिसकी अध्यक्षता बैंक चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने की, जबकि बैंक के 196 के लगभग डेलीगेट्स ने इसमें भाग लिया। बैंक में डेलीगेट्स ने बट्टा खाता यानी रिजर्व फंड को लेकर सहमति नहीं दी। वहीं बैंक की ब्याज दर पर भी डेलीगेट्स संतुष्ट नजर नहीं आए। केसीसी बैंक ऋण फर्जीवाड़े में केसीसी बैंक चेयरमैन ने कहा कि इस दिशा में बैंक प्रबंधन आगे बढ़ रहा है। बैंक प्रबंधन ने सख्ती से कुछ निर्णय लिए हैं, कुछ मामले ध्यान में आए हैं, उन्हें यदि विजिलेंस को देना होगा तो वैसे किया जाएगा और FIR दर्ज करवानी होगी तो इस दिशा में भी प्रबंधन आगे बढ़ेगा। केसीसी बैंक के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि केसीसी बैंक का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें बैंक के 196 डेलीगेट्स ने भाग लिया, जिसमें सभी के सामने बैंक का पूरे साल का लेखा जोखा रखा जाता है, जिसे जनरल हाउस में पास किया जाता है। अधिवेशन में लंबी चर्चा हुई और अच्छे सुझाव मिले हैं। बैंक को आगे बढ़ाने में सुझाव अहम भूमिका निभाएंगे। एजेंडे में जितनी भी आइटम्स थी उनमें सभी में लगभग सहमति बन गई है। बट्टा खाता उसमें डेलीगेट्स को रिजर्वेशन थी जिस पर उन्होंने सहमति नहीं दी है। बैंक प्रबंधन पहले डेलीगेट्स की शंकाओं का निवारण करेगा, उसके बाद इसे सहमति प्रदान की जाएगी। बैंक प्रबंधन ने सख्ती से कुछ निर्णय लिए हैं, कुछ मामले ध्यान में आए हैं, उन्हें यदि विजिलेंस को देना होगा तो वैसे किया जाएगा और FIR दर्ज करवानी होगी तो इस दिशा में भी प्रबंधन आगे बढ़ेगा। डेलीगेट्स द्वारा ऋण ब्याज के मामले में बैंक प्रबंधन अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हुए आगामी निर्णय लेगा। आज कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति का वार्षिक अधिवेशन था, उसमें हमारे टोटल 196 डेलीगेट्स हैं। साल में एक बार आम साधारण सभा में इन सबको हम आमंत्रित करते हैं, इनके सुझाव आमंत्रित करते हैं और इनके सामने जो पूरे वर्ष का कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का लेखा जोखा है वो रखा जाता है, फिर जनरल हाउस में उसको पास किया जाता है। तो आज पिछले वर्ष का सारा लेखा जोखा डेलीगेट्स के सामने रखा गया है और उसमें बहुत स्वस्थ सुझाव हमें मिले हैं। बड़ी लंबी चर्चा हुई है आज कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति में साधारण अधिवेशन में और उनके जो जो सुझाव आए हैं उन सुझाव को मिनिटाइज किया जाता है और उसके ऊपर हम अमल भी करेंगे और कई अच्छे सुझाव हमें मिले हैं, उनको आगे करने का प्रयत्न करेंगे। आज का जो कार्यक्रम है उसका यही सार्थकता होती है कि जो हमने किया है उसको साधारण सभा के सामने रखें और आने वाले समय में क्या हम में खामियां रही हैं उसके विषय में भी चर्चा हो। बड़ी अच्छी स्वस्थ चर्चा हुई है और वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को आगे बढ़ाने में जो हमारे डेलीगेट्स ने बड़ी अच्छे सुझाव हमें दिए हैं उनको यदि हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो आने वाले समय में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा इन सुझावों का योगदान रहेगा। सर कोई प्रस्ताव करीब करीब सब पे सहमति हो गई है। एक जो हमारा एक जो बट्टा खाता बोला जाता है, रिजर्व फंड बोला जाता है, उसमें उनको थोड़ी सी रिजर्वेशंस थी तो उस पे उन्होंने अभी अपनी सहमति नहीं दी है। तो अब हमारी जो प्रबंधन है वो उनकी शंका का समाधान करेगा, उसके बाद इसको पारित कर लिया। अभी तो मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा लेकिन जो हमारा प्रबंधन है हमने बड़े सख्ती से कुछ निर्णय किए हैं और आने वाले समय में कुछ ऐसे मामले मेरे ध्यान में आए हैं और उनके लिए हमने निर्णय किया है कि वो उन पे हम लोग आगे बढ़ें और वो यदि तो विजिलेंस को देने वाले हैं तो उनको दिया जाए या FIR लॉन्च करने का कोई ऐसा लगता है तो वो भी किया जाए। तो उस पर हम बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और जब उसका निर्णय हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो उसमें उनके सुझाव हैं, अब बैंक अपनी
जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको देखकर इसके ऊपर निर्णय करेगा।